हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीबॉडी। कल आप सबों का एग्जाम है CDS के लिए, और जितने भी बच्चे जो कल CDS एग्जाम में बैठ रहे हैं वो सभी जान लो कि कल आपका एक्चुअल अग्नि परीक्षा है, और उस अग्नि परीक्षा का ये पहला चरण है, ऐसा नहीं कि आखिरी है, इसके बाद आपका SSB भी बाकी है। तो ये आपके अग्नि परीक्षा का पहला चरण है। आपने पिछले एक साल में, दो साल में, या जितने समय से आप तैयारी कर रहे हो उतने समय में आपने कितना मेहनत किया है, उन सबों का कल अग्नि परीक्षा होने वाला है। तो अपनी तैयारी को अब टेस्ट करने का कल समय आ चुका है। कल पता चलेगा रणभूमि में, रण मैदान में, कि किसने कितना मेहनत किया, किसका सही तरीके का स्ट्रेटेजी था, उन सभी चीजों का कल परीक्षा होने वाला है। तो डट के सामना कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। इतना जान लीजिए कि ना जो भी सवाल है उसमें, एक जो लास्ट बात मैं बताना चाहूंगा, हमेशा बोलते रहता हूँ, आखिरी में फिर बोलूंगा, कि जो भी सवाल में आपको लगे कि ना 100% क्लियर है कि हाँ यही आंसर होगा, बोला दागो आगे बढ़ो। जिसमें डाउट आ गया, 50-50 का जहां रेशियो हो गया, रुक जाओ वहां, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरीके से जो भी डाउटफुल क्वेश्चन रहा उसको लास्ट में देखना, दो बार तीन बार रिपीट करके पढ़ लेना, समझ लेना, अगर विश्वास आए तभी आंसर देना, फिर भी दो तीन बार पढ़ने के बावजूद अगर 50-50 लगे स्किप मार देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव आपको कम से कम करना है, पॉजिटिव अधिक से अधिक करना है, तभी जाके क्लियर होगा। तो बाकी आप सबों को बेस्ट ऑफ लक। कल रन मैदान में देखते हैं कि ना कौन कितना किला फतेह करता है, किसका क्या रिजल्ट होता है। बाकी आप जो भी होगा, बस अपने हिम्मत, अपने दम, अपने काबिलियत के आधार पर जो होगा सब सही होगा। विश्वास लेके चलना, मोटिवेशन ये अपने मन में बैठा कर चलना कि आपका जो तैयारी है वो एकदम से सही है, और बस आपको वहां पर, क्योंकि वो जो आपको एग्जाम का टाइम पीरियड होगा कोई आपसे नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता है, तो उस टाइम पीरियड में अपना 100% दे देना पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों का एग्जाम क्लियर हो। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।